बात सीधी की होगी, जहां मौसमी बारिश से बीमार लोगों का जिला अस्पताल में जमघट लग गया। देखते ही देखते स्कूल के 2 दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, मतलब 24 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां मौके पर स्थानीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों की जानकारी ली। जो बीमार थे तो वहीं जिला अस्पताल में बने आईसीयू वार्ड की लचर व्यवस्था ने जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी। जब प्रारंभिक तौर पर पता लगा है उसके अनुसार जो मॉडल स्कूल खजूरी है वहाँ पे बच्चों को एल्बेंडाजोल का गोली खिलाया गया था। कुछ बच्चों को घबराहट, बेचैनी और सिरदर्द वगैरह की शिकायत हुई थी। उसके बाद जो भी बच्चों को दिक्कत हुई थी उनको सबको हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी बच्चे सामान्य हैं, खतरे से बाहर हैं। निश्चित तौर से बच्चों को एल्बेंडाजोल खिलाते हैं हम लोग, बर्न्स की दवाइयां हैं, पर ऐसा क्यों हुआ है, हो सकता है कि जिस बैच की दवाई थी इस बैच में कुछ दवाइयों में रहा, कुछ बच्चे डरे भी ज्यादा है। मेन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बच्चे डरे ज्यादा है ना, थोड़ा बहुत जी मछली का बच्चे डर गए हैं, सब कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएंगे। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि हमारे सभी बच्चे सुरक्षित होकर के अपने माँ बाप के घर पहुंच जाए। तो क्या है पूरा मामला समझ लेते हैं, सहयोगी शरद गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शरद, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 बच्चे अचानक से एक साथ बीमार हो जाते हैं, सवाल उठेगा और जो आईसीयू वार्ड की अव्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताइएगा जरा हमें शरद। सुमित, जिस तरह से बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला कल रात्रि का लगभग 4 बजे का है, जहां पे बच्चों ने टेबलेट खिलाई, बच्चों लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ती गई, जहां उनको जिला हॉस्पिटल पे भर्ती कराया गया। लेकिन सवालिया सबसे ऐसा उठता है कि आज भी कई स्कूलों में बच्चे, आज भी 13-14 बच्चे आज भी दूसरे स्कूल के आकर के जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन जिस तरह से आईसीयू वार्ड की हालत है, जहां पे पहले से 7 एसियां लगी थी लेकिन एसियां गायब है, लगातार अस्पताल में जो पंखे हैं, कूलर है, वो व्यवस्थाएं नहीं है। लेकिन जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इन पर, जिला हॉस्पिटल पर ध्यान नहीं दे रहे। जिस तरह से जिला हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति दिखाई दे रही है, ये हालत जहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे मरीज तो आ रहे हैं लेकिन उनके लिए कोई अच्छी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। ठीक है शरद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए धन्यवाद।